वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी नेता आम जनता को लुभाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम का एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। वहीं अध्यक्ष गिरीश गौतम पे आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। संवैधानिक पद पे रहते हुए वो नगरीय निकाय चुनाव में अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आचार संहिता लागू होने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष की स्वेच्छानुदान निधि से लोगों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। एक गांव में जब लोगों ने इस पर सवाल उठाए तो गिरीश गौतम भड़क उठे। उन्होंने उल्टा सवाल किया कि इसमें गलत क्या है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम रीवा में वार्ड नंबर 27 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष बेटे के समर्थन में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से सैकड़ों लोगों के खाते में पैसे भी जमा कराए हैं। इससे शासकीय नियमों और आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। वहीं गिरीश गौतम चुनाव प्रचार के लिए देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के हटवा गांव में पहुंचे तो लोगों ने इस पे आपत्ति जताई। इस पे विधानसभा अध्यक्ष ग्रामीणों पे ही भड़क उठे। उन्होंने दावा किया कि इसमें कुछ गलत है तो उन्हें गांव से एक भी वोट नहीं चाहिए। गिरीश गौतम के गुस्से का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल गिरीश गौतम के बेटे जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, उसी वार्ड से उनके भतीजे पद्मेश गौतम भी उम्मीदवार है। एक ही परिवार से दो उम्मीदवार होने के चलते मुकाबला बेहद कड़ा है। पुत्र मोह में विधानसभा अध्यक्ष बेटे के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए उतर गए हैं, लेकिन इस दौरान उन पे आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। विधानसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो को सही बताया है, लेकिन नियमों के उल्लंघन के आरोप से इनकार किया है। गिरीश गौतम ने कहा कि उन्होंने 115 लोगों की विधायक नीति और विधानसभा अध्यक्ष निधि से स्वेच्छानुदान राशि दी है, इसमें गलत क्या है। अच्छा, मैं चुनौती देता हूँ, हनुमान जी के सामने चुनौती देता हूँ, यदि खाते में पैसा मिल गया, इस गांव का एक वोट नहीं चाहिए मुझको, मैं इनकार करके जाना चाहता हूँ। चलिए, मंजूर है सबको? मंजूर है? मंजूर है? मैं चुनौती दे रहा हूँ, एक भी मैं चुनौती दे के जाना चाहता हूँ। माता बहनों, एक वोट नहीं चाहिए, जिसको तबियत हो उसको दे लेना। यदि सारे लोगों का पैसा आरटीजीएस में नहीं गया तो खाते में नहीं गया उनके, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अभी अभी जयंती फैसला हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ चेक से या नगद हाथ से किसी को पैसा गया हो तो भी मैं इस्तीफा दे दूंगा। यदि आरटीजीएस से नहीं गया पैसा, तो खाते में पैसा नहीं गया, तो कैसी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है महाराज, हम मान लेते हैं, अभी इसका छानबीन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आइए मेरे पास, कल आइए, जब आप बोलिए तब हम आ जाते हैं। आ जाइए ना जी, बिल्कुल आइए। और ये जनता को भी जानना चाहिए कि कौन बरगला रहा है, इनको भी जानना चाहिए, इनको भी जानना चाहिए ना कि कौन बरगला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे तरीन ताजा खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज मध्य प्रदेश।